सुभाष किचनेट में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बच्चों की मनपसंद रेसिपी लेकर आई हूँ, बच्चे तो एकदम खुश हो जाएंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मायोनीज पास्ता, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पास्ता बनाने के लिए मैंने ये पास्ता लिया है। पास्ता की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड करें, जितना बनाना हो और जितने लोग खाने वाले हो। ये पास्ता मैंने जो लिया है इसमें 3 लोग आराम से खा सकते हैं। ये थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज है, बारीक कटा हुआ टमाटर, और पास्ता में डालने के लिए आप अपने इच्छानुसार सब्जियाँ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा गाजर, जिसे मैंने पतले पतले काट के रखे हैं, शिमला मिर्च, इसे भी मैंने काट लिया है, और ये मशरूम, और ये अमेरिकन कॉर्न है, थोड़ा सा सेजवान चटनी, टोमेटो सॉस, चिली फ्लेक्स, ओरिगैनो, और थोड़ा सा मैंने बीट रूट भी लिया है, इसे भी मैंने बारीक काट के रखा है, इससे पास्ता का कलर बहुत अच्छा आएगा। और ये वाइट मायोनीज, इस बार पास्ता मैं मायोनीज में ही बना रही हूँ, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे इस सीवर में डाल के इसके पानी को ड्रेन कर देंगे। इसके साथ ही इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे, इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे, और ये पास्ता सारे खिले खिले और एक एक पास्ता अलग हो जाएगा। ये देखिए, अब हम पास्ता का मसाला तैयार करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पैन में मैंने ये वाइट बटर लिया है, इसे डालेंगे, इसे थोड़ा मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो चुका, अब इसमें ये चॉप्ड किया हुआ अनियन डालेंगे, अनियन थोड़ा सा सॉटे हो जाए, फिर इसके साथ ही चॉप्ड किया हुआ टमाटर डालेंगे। टमाटो भी डाल देते हैं, और टोमेटो और अनियन को थोड़ा सा भुनने के लिए वेट करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर इसमें मसाले डालेंगे। ये प्याज और टमाटर थोड़ा भून चुका है, अब इसमें जो मैंने सब्जियां काट कर रखी है वो सारा मिक्स करेंगे। पहले इसमें गाजर मिक्स करते हैं, उसके बाद ये अमेरिकन कॉर्न है, इसे भी मिक्स कर देंगे। शिमला मिर्च को लास्ट में मिक्स करेंगे ताकि वो क्रंची टेस्ट दे। ये मशरूम है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मुझे मशरूम बहुत पसंद है इसलिए मैं डाल रही हूँ। ये मैंने बीट रूट भी काट के रखे हैं, इसे भी मैंने इसमें डाला, और अब लास्ट में शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें अंदाज से नमक डालेंगे, मैं करीब 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पास्ता में भी उबालते समय नमक डाला है।
ये 2 चम्मच इसमें सेजवान सॉस है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और 2 चम्मच ही टोमेटो केचप डाल दें। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। और ये थोड़ा सा ओरिगैनो है, इसे भी मिक्स कर देंगे। और अब साथ ही इसमें जो मैंने पास्ता बॉईल करके रखा है इसे भी इसमें मिक्स करेंगे। मैंने 2 मिनट इसे ढक के रख के देखिए पास्ता अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें 2 चम्मच मायोनीज मिलाएंगे, क्योंकि आज का पास्ता मेरा चीज़ पास्ता नहीं है, ये मायोनीज पास्ता है। मायोनीज से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमारा ये पास्ता सर्व करने के लिए रेडी है। ये सर्व करने के लिए मैंने बड़े बाउल में निकाला और इसमें थोड़ा सा ऊपर से मेयोनीज डाल के और इसे धनिया पत्ते से इसकी गार्निशिंग कर देंगे। पास्ता बनकर तैयार है, तो आप इसे मिस मत करिए। इसे ज़रूर बच्चों को टेस्ट कराइए, क्योंकि मैंने यहाँ सूजी पास्ता यूज किया है तो ये बहुत नुकसान नहीं करेगा बच्चों के लिए। तो वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वीक तो आप इसे बना के दे ही सकते हैं, बच्चों का भी थोड़ा टेस्ट चेंज होगा। तो इसे ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो फिर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।